अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल मंगलवार को गिरकर ध्वस्त हो गया, लेकिन इस मामले में अधिकारी ने जिस तरीके से बयान दिया है उसे सुनकर आप माथा पीट लेंगे। वजह चूंकि कोसी जोन में बकरा नदी और ये सब का बार बार मेंडरिंग की प्रवृत्ति रही है, पूर्व में भी कई हादसे यहाँ पे हुए हैं, तो मैं भी नदी के जो पुरानी प्रवृत्ति रही है उसके कारण कुछ इश्यू आया होगा। जी हाँ, पुल गिरने के लिए नदी ही जिम्मेदार है। कार्यपालक अभियंता का ये बयान चौंकाता है, एक बार फिर से सुनिए। वजह चूंकि कोसी जोन में बकरा नदी और ये सब का बार बार मेंडरिंग की प्रवृत्ति रही है, पूर्व में भी कई हादसे यहाँ पे हुए हैं, तो मैं भी नदी के जो पुरानी प्रवृत्ति रही है उसके कारण कुछ इश्यू आया होगा। बकरा नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही करोड़ों की लागत से बना ये पुल धराम से गिर गया। सिकटी प्रखंड क्षेत्र के पड़रिया घाट पर पुल का निर्माण किया गया था। पुल ध्वस्त मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी ने नदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। मिली जानकारी के अनुसार सिकटी प्रखंड स्थित बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से पड़रिया पुल का निर्माण किया गया था। मंगलवार को पुल के 3 पिलर नदी में धस गए और पुल गिर गया। करीब 12 करोड़ की लागत वाली 100 मीटर का ये पुल था। इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था, पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं था। अररिया में पुल हादसे के मामले में जिस अधिकारी को निरीक्षण करना था वही अधिकारी अब बकरा नदी की प्रवृत्ति को ही पुल गिरने की वजह बता रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता आशुतोष कुमार रंजन, इनका कहना है कि नदी की प्रवृत्ति की वजह से पुल नदी में समा गया। ये लगभग 7.79 करोड़ रुपए का इसका लागत राशि है। जी, कौन सा सर पुल है? ये PMGSY मद से निर्मित हो रहा था। 2021 में कार्य प्रारंभ हुआ था और लगभग काम कंप्लीट हो गया था। दुर्भाग्य से ये हादसा हुआ। हादसे के लिए जांच टीम गठित की गई है, रिपोर्ट के बाद ही ऑफिशियली इसके बारे में कुछ बताया गया। क्या वजह लग रहा है? वजह चूंकि कोसी जोन में बकरा नदी और ये सब का बार बार मेंडरिंग की प्रवृत्ति रही है, पूर्व में भी कई हादसे यहाँ पे हुए हैं, तो मैं भी नदी के जो पुरानी प्रवृत्ति रही है उसके कारण कुछ इश्यू आया होगा। वो जांच के उपरांत ही सही तरह हाँ बार बार उसमें पहले 2 पुल ऑलरेडी बने थे, फिर नदी का रास्ता बदल गया। तो नदी जब रास्ता बदलती है तो उसका बेड एज इट इज रहता है, वो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल अलग इश्यू है, लेकिन जांच में पूरी बात सामने आ गया। ये पुल कितना राशि का सर ये पुल है? ये राशि मैंने बताया कि 7.8 करोड़ का, 7.79 करोड़। कार्रवाई के लिए विभाग से संवेदक को ब्लैक लिस्टिंग के लिए सो कॉज कहा गया है कि आप अपना जवाब दें कि किस कारण से ऐसा हुआ है, और संबंधित उसमें जो कार्यपालक अभियंता और कनीय अभियंता रहे थे उनके बारे में भी खबर आ रही है। पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन जैसे आप मीडिया के माध्यम से ही आ रही है खबर कि उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी आशुतोष कुमार रंजन, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग। अधिकारी जो कह लें, लेकिन तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल जरूर हुआ है, लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अररिया से अमरिंद सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।